हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं दिवाली खाल। अभी तक हम यही घूम रहे थे, आज हम फाइनली हम लोग जा रहे हैं दिवाली खाल। वहाँ की तैयारियाँ कर रहे हैं हम लोग, साथ में सभी लोग जा रहे हैं वहीं पे ऊपर पहाड़ पे जहाँ बर्फबारी हो रही है। कहाँ पे, किसकी दुकान? तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे सब। दोस्तों, आज हम जा रहे थे दिवाली खाल जहाँ बर्फबारी हो रही थी ऊपर पहाड़ पे। देखिए कितना ख़राब मौसम है, बारिश हो रही थी, नीचे भी बारिश हो रही थी यहाँ पे, पर हमें पता था बारिश में जाएंगे तभी हम वहाँ ऊपर बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो हम हल्की हल्की बारिश हो रही थी तभी स्टार्ट हो गए थे, तभी चलना शुरू कर दिया था हम लोगों ने ऊपर जाने के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नैनीताल से भी अच्छी जगह है यहाँ पर, जहाँ बहुत बर्फबारी होती है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर सारे जितने पेड़ होते हैं सब ढक जाते हैं, लेकिन नीचे बारिश बर्फबारी नहीं होती यहाँ पर। यहाँ जो होती है पहाड़ी के ऊपर होती है बर्फबारी, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। हम लोग वहीं जा रहे थे, अब तक तो हम लोग यहीं टहल रहे थे महलचोरी में ही। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उस समय कल ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी तो हम लोग ऊपर नहीं जा पाए थे जहाँ बर्फबारी हो रही थी। हम लोग यहीं महलचोरी में घूम रहे थे, वहाँ दिखा रहे थे आपको क्या क्या जगह है जो महलचोरी में घूमने के लिए है। दोस्तों, नीचे बर्फबारी तब होती है जब ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। ऊपर जब बहुत बर्फबारी हो रही है तब नीचे भी गिरती है, जहाँ हम लोग टहल रहे हैं यहाँ भी बर्फ़ गिरती है, लेकिन तब गिरती है जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। अभी जो हो रही थी बर्फबारी वो केवल ऊपर पहाड़ों पे ही हो रही थी। जहाँ पे हम लोग जा रहे थे ये सब भीगा हुआ रोड था, देखो जगह जगह पानी भरा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बारिश हो रही थी काफ़ी। अब रात से ही बारिश हो रही थी, हम लोग सुबह को जा रहे थे। ये देखिए कितना ख़राब मौसम है, कितने बादल छाए हुए हैं यहाँ पर। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पर जहाँ से बर्फबारी शुरू हुई थी। यहाँ क्या हुआ था कि मैं आगे चल रहा था तो हम लोग आगे निकल गए थे, और मेरे साथ वाले जो लोग थे वो सारे लोग पीछे रह गए थे। तो मैं बहुत ऊपर था, वहाँ भी बहुत बर्फबारी हो रही थी जहाँ से स्टार्ट हुई थी। रोको, यहीं पर रोको। ओए बर्फीला तूफान, रोको तो, जल्दी आते हो ना। बर्फीला तूफान, ओए बर्फीला तूफान, मजा आ गया। इसे कहते हैं लाइव। ये लोग कहाँ रह गए यार? दोस्तों, ये बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इस समय जो बर्फबारी हो रही थी वो बारिश के साथ में हो रही थी। जब स्टार्ट होती है बारिश के बाद तुरंत, तो ऐसी बर्फबारी होती है, यहाँ पे बारिश भी गिरती होती है साथ में बर्फ़ भी गिरती होती है। लेकिन थोड़ी देर बर्फ़ गिरने के बाद फिर जब बर्फबारी स्टार्ट हुई थी तब टोटल बर्फ़ गिर रही थी यहाँ पर। यहाँ पर फिर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, ना बूंदें गिर रही थी, वो टोटली बर्फ़ गिर रही थी बिल्कुल एकदम फूल की तरह। दिखा दें आपके लिए कैसी बर्फबारी हो रही थी। हम लोग भीग गए थे तो हम लोग यहीं रुक गए थे। मैं तो बहुत आगे निकल गया था, ये लोग मेरे साथ वाले सब लोग यहीं रुक गए थे, इन्हें बाइक भी यहीं छोड़ दी थी। मेरी बाइक, मैं अपनी बाइक लेके बहुत आगे निकल गया। वीडियो बनाओ मेरी, बहुत मजे आ गए भाई साहब। कद्दू सब समझा है, अब तो बर्फ आया है, अब तो गिर तो देख लीजिए। ये मजे बेटे, मेरी बनाओ, मेरी मेरी बनाओ यार, मेरी बनाओ, हां बना दे तुम्हारी। ये देखो भाई लोगों, लाइव भी बर्फबारी हो रही है। हां ये बर्फ गिरतोगी तो पेड़ के नीचे चल रहे हैं अपने, पेड़ के नीचे फिर वहां से बनाएंगे हम वीडियो। अरे ये देखो, हाँ बिल्कुल लाइव, क्या मजा। दोस्तों, यहां पे अपनी इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी थी, और मैं आपसे भी कहता हूँ जब भी आप कहीं भी जाएं और ज़्यादा बर्फबारी होती हो तो अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करके जाएं और ऊपर जाएं पैदल, जिससे कि आपको उतरने में दिक्कत ना हो। हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे गए थे भाई साहब, ये लाइव बर्फ है, यहाँ हमारे दोस्त है सब। ये लाइव बर्फ गिरता हुई, ये हमारी बाइक है। दोस्तों, ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मेरे साथ वाले सारे लोग, पर इन्हें पता नहीं था कि ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्फबारी हो रही है। ऊपर इससे ज़्यादा बहुत भयंकर बर्फबारी हो रही थी, नीचे तो केवल बर्फ बारिश के साथ में गिर रही थी, पर सबसे ज़्यादा तो ऊपर बर्फबारी हुई थी। ये देखिए, यहाँ से कितनी बर्फबारी शुरू हो जाती है। हम लोग ऊपर टहल रहे थे, इतनी बर्फबारी हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये मेरे पीछे देखिए रोड है, ये पक्का रोड है बना हुआ जिस पे इतनी बर्फ जम गई है बहुत ज़्यादा। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरे में बर्फ दिख नहीं रही है, जगह नहीं दिख रही कहाँ पे है। मोबाइल पे भी बर्फ जमी हुई है, कपड़ों पे सब में बर्फ जम गई है। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो मैंने सेल्फी शूट की है, क्योंकि बैक वाले कैमरे बार बार बर्फ़ गिर जा रही थी और साफ़ करनी पड़ रही थी बार बार, बर्फ वीडियो के लिए नहीं आ रही थी, बार बार साफ़ करनी पड़ रही थी। इस चक्कर से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ़ी कैमरा यूज़ किया था, लेकिन मेरे मोबाइल का सेल्फ़ी कैमरा था वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज कर रहा था वाइट वाइट के लिए,
बर्फ जो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही थी क्योंकि पूरा वाइट हो गया था आसपास, तो उसमें एक्सपोज नहीं कर पा रहा था सही करके वो कैमरा सेल्फी वाला मेरा, तो इस चक्कर में वो क्लियर नहीं दिख रहा था। उसमें देखिए बराबर में, बराबर इधर पानी था वो भी जम गया था, साइडों में इधर इधर रोड के पानी भर जाता है वो सब जम गया था उसमें, क्योंकि बर्फ़ इतनी बर्फबारी इतनी हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। गाइस जब हम लोग यहाँ पे टहल रहे थे तो हमारे अलावा यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं दिख रहा था, केवल हम ही दो लोग थे यहाँ पे टहल रहे थे। हमारे साथ वाले थे वो सब लोग यहाँ से कम 2 या 3 किलोमीटर नीचे थे, हम लोग 2-3 किलोमीटर ऊपर आ गए थे, पर यहाँ पे जो लोग थे रहने वाले वो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। हमें लाइव बर्फ़ देखनी थी, वो तो यहाँ पे देखते रहते हैं, तो हमें लाइव बर्फ़ देखनी थी तो हम लोग बाहर टहल रहे थे रोड पे, इधर उधर सारे पेड़ों पे, जितनी पेड़ देख रहे हैं पीछे, रोड देख रहे हैं पीछे, वो सारे बर्फ़ से ढक गए थे, काफ़ी काफ़ी ऊंची बर्फ़ गिर गई थी। मैंने सोचा था गाइस कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँगा खुद, अब बोलूँगा वीडियो बनाऊँगा उसमें रिकॉर्डिंग करता रहूँगा, लेकिन इतनी सर्दी लग रही थी कि वहाँ बोल ही नहीं पा रहे थे। ये देखिए गाइस बर्फ़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, कितनी जल्दी इतनी बर्फ़ गिर गई है, कम से कम 3 से 4 इंची बर्फ़ की परत जम गई थी। यहाँ पेड़ों पे भी जमी हुई थी, पेड़ों के पास जब मैं छुआ था तो मुझे कांटा लग गया था पेड़ का, मुझे पता नहीं था कि इसमें कांटे भी हैं, क्योंकि बर्फ़ के चक्कर में दिख नहीं रहा था। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नैनीताल से ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, देखिए चारों तरफ मैंने देखी सब में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है, नैनीताल से बहुत ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है। आप कभी भी आएँ लाइव बर्फ़ देखें, यहाँ पर ये जगह है दिवाली खाल, भराड़ी सड़क के पास में है, यहाँ पे नया संसद भवन भी बना हुआ है, बहुत फेमस जगह है दिवाली खाल, यहाँ पे आएँ खूब घूमें बर्फ़बारी के मज़े लें। हम लोगों ने बहुत मज़े लिए थे यहाँ पे, काफ़ी बर्फ़बारी हो रही थी और बहुत बर्फ़बारी हो रही थी, और जब भी आप आएँ तो बारिश के टाइम ही आएँ, दिसंबर से लेके फरवरी तक बर्फ़ गिरती है, और उसमें जब भी बारिश हो आप आ जाएँ, बारिश के बाद बर्फ़ गिरनी गिरनी है यहाँ पर। दोस्तों दूसरी वीडियो डालूंगा मैं जिसमें हम इसके दूसरे दिन आए थे, जहाँ ये बर्फ़ गिर रही है देखिए सब में बर्फ़ बर्फ़ जमी हुई है, ये पक्का रोड है बना हुआ, मैं आपको दूसरी वीडियो डालूंगा उसमें दिखाऊंगा जब हम लोग बर्फ़ के गिरने के दूसरे दिन गए थे, तब यहाँ पे कितनी खूबसूरत जगह थी। अभी तो यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, बर्फ़ गिर रही है, तो पीछे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दूर का दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत बर्फ़बारी चक्कर में दिखाई नहीं दे रहा साफ। जब आप दूसरी वीडियो में देखें उसमें देखेंगे कितनी अच्छी जगह थी यहाँ पे, वैसे भी आप देखने जाएंगे कभी घूमने जाएंगे तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए भी। अपने नंबर पता करो। देखिए गाइस यहाँ पे मेरे पीछे पेड़ है, पेड़ों पे कैसे बर्फ़ जम गई है, पेड़ों पे सब पे बर्फ़ जमी थी, पर मैं छूना चाहता था, पर इसमें कांटे थे सारे, कांटों वाले पेड़ थे तो मैंने छुआ नहीं फिर इसे। कुछ वीडियो दोस्तों मैंने पीछे वाले कैमरे से ली थी अपने फ़ोन के, वो मैं वीडियो आपके लिए दिखाता हूँ कि कितनी बर्फ़बारी दिख रही थी, फ्रंट कैमरे से इतनी आ नहीं रही थी अच्छी वीडियो, बैक वाले से कुछ ज़्यादा अच्छी आई थी, देखिए कितनी बर्फ़बारी हो रही थी। इसमें देखिए गाइस साफ दिखाई दे रहा है कितनी बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे, सब में अंधेरा छा गया है और खूब बर्फ़बारी हो रही है यहाँ पे। लेकिन गाइस तभी हमें याद आया कि हम अपनी स्कूटी काफ़ी ऊपर ले आए हैं, तो हमें जल्दी ही नीचे जाना चाहिए, वरना यहाँ पे आर्मी वाले आ जाएंगे, फिर वो स्कूटी नहीं चलाने देंगे, गाड़ी चलाने नहीं देते जब तक JCB आके रोड साफ़ नहीं कर देती, उसके बाद चलाने देते हैं, तो फिर अपनी स्कूटी पे गए, स्कूटी नीचे ले जाने लगे। हाँ पर आ रही है यार, टेंशन मत लो। ये देखो पहले यार नज़ारे, क्या कहते हैं पूरी फिल्म बना देते हैं और हम एक्टर होते हैं, नीचे का लो नीचे का, वही सब ले रहे हैं। अब ये देखो ये साड़ू, वो साड़ू, अरे रुक जा यार, पेड़ के ऊपर यार देखो, तो पहले तुम लोकेशन नहीं देख रहे, पेड़ के ऊपर पहले देखो। दोस्तों ये लोग नीचे मस्ती कर रहे थे, मैंने लोगों को फ़ोन किया था, मैंने कहा ऊपर आ जाओ अब, क्योंकि हम लोग नीचे आना चाहते हैं, हमारी स्कूटी फंस गई है, स्कूटी चल नहीं रही है, बहुत मुश्किल से निकल पा रही थी स्कूटी, वरना तो लोग सब आ जाएंगे तो फिर स्कूटी नीचे नहीं रहने देंगे। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से मेरी स्कूटी फंस गई थी, मैंने बहुत कोशिश की थी कि स्कूटी मेरी चल के निकल जाए, पर स्कूटी चल नहीं पा रही थी उसमें, क्योंकि बर्फ़बारी काफ़ी हो गई थी, फंस गई थी तो चल ही नहीं पा रही थी, बार बार सीधी करनी पड़ी थी, पहिए फिसल जा रहे थे और सीधी करके, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि धक्का देके ही लानी पड़ी थी मुझे। इन लोगों का बहुत अच्छा हुआ था, इन लोगों ने अपनी बाइक नीचे खड़ी कर दी थी, कम से कम 2 या 3 किलोमीटर, और हम लोगों को 2 या 3 किलोमीटर पूरा धक्का देके लाने पड़ी थी स्कूटी, हर तरीके से कोशिश की थी पर स्कूटी चल नहीं पाई थी। इधर देख गाइस, फिर मेरा भाई पहुंचा था वहां पे, मैंने इसे फ़ोन करके बुलाया था क्योंकि स्कूटी चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, पहिए घुस रहे थे उसमें, इसलिए गाइस मैं बोल रहा था आपके लिए
कि आप जब भी जाएं पहाड़ों पे घूमने जहाँ बर्फबारी होती हो तो अपनी बैग वगैरह नीचे खड़ी करके जाएं, क्योंकि ऊपर से जब जाएंगे तो फिर आपकी बैग नीचे नहीं आ पाएगी, और तब आएगी जब आप जेसीबी आ जाएगी वहाँ से, वो रोड साफ़ कर देगी। उसके बाद ये दे देखिए पीछे पहिया कैसे बना हुआ है उसमें रोड पे, ये पक्का रोड है जो इतनी बर्फ गिर गई है इस पे पहिया पीछे बन रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी स्कूटी नीचे पहुँचे, नीचे नहीं पहुँचेगी स्कूटी तो यहीं फंसी आएगी, और फंसने के बाद तब निकलेगी जब रोड साफ़ होगा पूरा। इसके लिए फिर लेकिन सारी कोशिश की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, फिर हमें धक्का देके नीचे लानी पड़ी थी स्कूटी। एक बंदा धक्का दिलवाया था और मैं इसे खींच के नीचे लेके आया था। इसके लिए ऐसे खींचना तो काफ़ी मुश्किल पड़ता, इसलिए मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली थी, पर पीछे से रोकनी पड़ रही थी जिससे कि इधर उधर को ना भागे स्कूटी और आराम से चलती रहे। पीछे पकड़ ली थी स्कूटी और स्टार्ट करके हम लोग धीरे धीरे चला के निचली लेके आए थे। उसके बाद में जब काफ़ी आगे आ गए थे, जब बर्फबारी कम हो गई थी, फिर उस पर आराम से ऊपर चढ़ के फिर चलाई थी स्कूटी। देखिए दिखाते हैं आपके लिए कैसी रास्ते में मिली थी वहाँ। देखिए गाइस रास्ते में कैसे आगे बर्फ़ जमी हुई है सारी, और गाड़ी में से आवाज़ें आ रही थी क्योंकि गाड़ी भीग गई थी, हम लोग भी भीग गए थे, सर्दी लग रही थी काफ़ी, बहुत सर्दी लग रही थी और गाड़ी पूरी भीग गई थी, इसमें से आवाज़ें आ रही थी क्योंकि भीगने के बाद ब्रेक बोलते हैं इसके काफ़ी। और हम लोग फिर धीरे 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 ब्रेक लगाते हुए नीचे ला रहे थे। फिसलने का भी बहुत डर था, काफ़ी डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो फिसल जाए स्कूटी गिर जाए हम लोग, लेकिन तब भी हम लोग धीरे धीरे करके ले चले आ रहे थे नीचे के लिए, क्योंकि नीचे जल्दी जल्दी पहुँचना था। ये वो लोग हैं जो बर्फबारी रुकने के बाद सबसे पहले हमें मिले थे, सबसे पहले यही लोग आए थे जब बर्फबारी रुक गई थी। खींच लिया लेकिन हम लोग जब बर्फबारी हो रही थी तब भी यहीं पे थे, और बर्फबारी रुकने के बाद हम लोग गए थे भीग, तो हम लोगों को सर्दी बहुत लग रही थी। फिर हमने कहा चलो वापस घर चलते हैं, और ये लोग देखिए इस कार से आए थे जो सामने कार फंस गई है, वो बर्फबारी के चक्कर से फंस गई थी, वो ऊपर नहीं आ पा रही थी, अब वो ऐसे खड़ी कर दी थी, फिर हम लोगों को उतर के स्कूटी निकालनी पड़ी थी अपनी, क्योंकि वो चला नहीं पा रहे थे, पूरे रोड पे खड़ी हुई थी गाड़ी। गाइस जैसे तैसे हम लोगों ने यहाँ से फिर कार से अपनी स्कूटी पार की थी, उतर के धीरे धीरे राइट हैंड की तरफ से, इधर से दिख रहा है इधर इधर ही से पार की थी राइट हैंड की तरफ से, पर सामने नीचे खाई भी थी तो हम लोगों को बड़ा आराम से पार की थी पकड़ के स्कूटी, जिससे कहीं ऐसा ना स्कूटी फिसल जाए और हम लोग स्कूटी के साथ ही नीचे गिरे। फाइनली गाइस हम अपनी स्कूटी निकाल के और सीधा अपने दोस्त शादी भाई के घर चले गए थे हम। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो तुरंत पता चलती रहे। ठीक है, थैंक यू गाइस, शेयर करना ना भूलें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें।